हेलो फ्रेंड्स, हमारे सहारनपुर में अनाज मंडी रोड पर गोटे शाह की चुंगी पर है ये मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर जिसे कहते हैं देव शिवालय गोटेश्वर महादेव। आज हम महिलाएं यहाँ पर कुछ पौधे लगा रही हैं, जैसे हमने लगाए यहाँ पे गेंदे के, गुलाब के, जिससे मंदिर में आने वाले भक्तों को हमेशा फूल मिलते रहें प्रभु जी पर चढ़ाने के लिए। आप देखें, हम सब महिलाएं जो कि आज हमारा यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ रखा गया है उसमें आई हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लगा रहे हैं पौधे। फ्रेंड्स, अपने कई ब्लॉग में हम आपको ये मंदिर दिखा चुके हैं। फ्रेंड्स, ये वो मंदिर है जिसे कभी इस कारण वंश बंद कर दिया गया था क्योंकि यहाँ आने वाले भक्त बहुत कम थे। आज हम आए हैं गोटेश्वर महादेव मंदिर में। गोटेश्वर महादेव मंदिर जी के जो पंडित जी हैं, मैं उनसे आपकी थोड़ी वो इसका परिचय देंगे। मंदिर में कितने संघर्ष हो रहे हैं, मंदिर कैसे चलाया जा रहा है, और हम सब महिलाओं का भी एक पूरा योगदान है कि हम मंदिर में डेली आने की कोशिश करें या फिर महीने में एक बार तो जरूर आएँ। अभी हम पंडित जी आपको बताएँगे मंदिर की महिमा। मंदिर के माननीय महामंत्री श्री अमित शर्मा जी एवं समस्त मंदिर समिति द्वारा बड़े प्रयास किए गए हैं मंदिर के प्रचार प्रसार के लिए, और जगह जगह बैनर लगाए गए हैं, बोर्ड लगाए हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु आएँ और भगवान को जलाभिषेक करें। और हमारी यही प्रयास है, हमारा सभी का यही प्रयास है कि अधिक से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर आएँ दर्शन के लिए। और उस प्रयास का कुछ फल हमें देखने को मिला कि जैसे अभी शिवरात्रि पे बहुत भारी मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में जो है श्रद्धालु आए हुए थे, कांवड़िया आए हुए थे। पिछले साल की अपेक्षा इस बार पिछले से लगभग दुगने तिगने संख्या में लोग आए थे, और ऐसे ही निरंतर हमारा प्रयास रहेगा कि सभी यहाँ पर श्रद्धालु। हम सभी के प्रयास से मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा है ताकि श्रद्धालुजन जो आएँ उनके जो है मतलब जो है रोकने की उचित व्यवस्था हो सके। और कोई कार्यक्रम यदि होना है, कोई आयोजन, कोई फंक्शन होना है तो उसमें जो है उचित व्यवस्था व्यवस्थित ढंग से किया जा सके। उसके लिए एक कमरा बना दिया गया है, एक और कमरा बनाया जा रहा है, और इधर सभी श्रद्धालुओं के लिए और सभी के लिए लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था की जा रही है, लैट्रिन बाथरूम बनाया जा रहा है। और बाकी भी निर्माण कार्य चल रहा है, धीरे धीरे सभी के प्रयास से और भी निर्माण कार्य होगा, और ऐसे ही जैसा जैसा सभी का सहयोग मिलता रहेगा ऐसे ही निर्माण कार्य किया जाएगा। चलो, भोले बाबा की जय, गुरु शंकर भगवान की। फ्रेंड, इसी कारण से कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम है, तो हम महिलाओं ने मिलकर यहाँ पर एक महिला मंडल बनाया है, जिस महिला मंडल में हम लोग हर लास्ट शनिवार को यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करते हैं। और बहुत ही दूर दूर से उसमें हमारे सभी सहारनपुर के कोने कोने से उसमें हमारी महिलाएँ आती हैं और भर चढ़ कर उस सुंदरकांड में भाग लेती हैं। फ्रेंड्स, यदि आप भी सहारनपुर या सहारनपुर के आस पास रहते हैं तो जरूर महीने में एक बार इस मंदिर में जरूर आइए। आज हमारी नई ढोलक आई है, इसका हम पूजन कर रहे हैं। बोल गणपति महाराज की जय, बोल गणपति महाराज की जय। चलो कोई बात नहीं, हाथ धो लो भाई, ये चमड़े की होती है, इसे धोके एक से करना चाहिए काम। ये चमड़े के होते हैं इसके ना, ढोलक के हाथ धो के फिर आरती वगैरह भोग लगाना चाहिए। गजानन दीन दयाल, आरती उतारे तेरी गौरा जी।
आज बिनो कहीं कहीं सब नहीं कब जाए सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम श्रृंगार कर रहे हैं आप दोनों समय करते हैं। अच्छा आपके पंडित हैं मंदिर के या अपने शौक से करते हैं? आप पंडित हैं मंदिर के? अच्छा आप भी पंडित हैं।